दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुनो कहानी हॉरर के एक नए एपिसोड में। मेरा नाम है वीरेन और आज मैं आपको H.G. वेल्स की लिखी एक बेहद ही दिलचस्प थ्रिलर कहानी सुनाने वाला हूँ। ये एक बड़ी कहानी का छोटा रूपांतरण है जिसका टाइटल है दी इनविजिबल मैन, अदृश्य मानव। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है इंग्लैंड के इपिंग नाम के एक गांव से जो पश्चिमी ससेक्स में है। एक तूफानी बर्फीली रात में एक रहस्यमय व्यक्ति कोच एंड हॉर्सेस नामक एक स्थानीय सराय में शरण लेने आता है। उस सराय की मालकिन थी मिसेस हॉल। उन्होंने उस रहस्यमय आदमी को बड़े ध्यान से देखा मगर उस आदमी ने अपना चेहरा छुपा रखा था इसलिए मिसेस हॉल उसका चेहरा नहीं देख पाई। मिसेस हॉल ने देखा कि उस रहस्यमय आदमी ने एक लंबे बाजू की कमीज पहनी हुई थी और एक मोटा भारी भरकम कोट और दस्ताने भी पहने हुए थे। उसका चेहरा पूरी तरह से पट्टियों से लिपटा हुआ था। उसकी नाक गुलाबी रंग की थी जो देखने में नकली दिखाई दे रही थी और अपने सिर पर उसने एक बड़ी सी हैट पहन रखी थी। उस आदमी का नाम था ग्रिफिन। ग्रिफिन ने सराय की मालकिन मिसेस हॉल के साथ बड़ा बुरा बर्ताव किया। ग्रिफिन ने बड़े ही रूडली मिसेस हॉल से कहा कि जब भी उसका सामान रेलवे स्टेशन पर आ जाए तो उसे इन्फॉर्म कर दिया जाए। मिसेस हॉल ने कहा, ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। मिसेस हॉल को ग्रिफिन ने बताया कि वो एक एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेटर है इसलिए उसको उसके उपकरणों की जरूरत है। मिसेस हॉल समझ गई थी कि ग्रिफिन एक एकांत प्रिय चिड़चिड़ा और नाखुश व्यक्ति है इसलिए उससे ज्यादा बात करना ठीक नहीं। ग्रिफिन यह चाहता था कि वो हर समय अकेला रहे, उसके आसपास कोई डिस्टरबेंस उसे पसंद नहीं। वो अपना सारा समय उस सराय के कमरे में बिताना चाहता है जहां वो अपने एक्सपेरिमेंट्स करता रहे। उसे अपने आसपास सिर्फ उस प्रयोगशाला के उपकरण अच्छे लगते हैं, वो उनके बीच ही रहना चाहता है। एक दिन डाक द्वारा एक कैरियर ग्रिफिन का एक लगेज लेकर आया जिसमें साइंटिफिक सामान भरा पड़ा था। उसमें कुछ हाथ से लिखे हुए नोट्स भी थे और कुछ कांच की बॉटल्स थी जिनके अंदर कुछ तरल पदार्थ भरा हुआ था और उनके ऊपर लेबल चिपका हुआ था जिसमें लिखा था पॉइजन। एक दिन उस सराय के बार में एक डॉक्टर आया जिसका नाम डॉक्टर कर्स था। ग्रिफिन वही काउंटर पर बैठा ड्रिंक कर रहा था। तब डॉक्टर कर्स ने ग्रिफिन से बात करने की कोशिश की क्योंकि डॉक्टर कस को ग्रिफिन बड़ा ही दिलचस्प कैरेक्टर लगा। डॉक्टर कस ने बड़ी ही हैरानी से ग्रिफिन को देखा कि एक आदमी ठंड से बचने के लिए किस तरह खुद को ऊपर से लेकर नीचे तक कपड़ों से लपेटे हुआ है। डॉक्टर कस ग्रिफिन पर हंसने लगा, उसकी खिल्ली उड़ाने लगा। तब तंग आकर ग्रिफिन ने डॉक्टर कस की नाक में एक जोरदार घूंसा मारा और तब ग्रिफिन के हाथ से उसका दस्ताना निकल गया। तब डॉक्टर कस ने ग्रिफिन का हाथ देखा और देखकर चौंक गया क्योंकि ग्रिफिन का हाथ था ही नहीं, लेकिन डॉक्टर कस की नाक में अभी अभी उसने अपने हाथ से एक घूंसा मारा था। ग्रिफिन ने तुरंत अपना दस्ताना वापस पहना और अब उसका हाथ नॉर्मल नजर आने लगा। ये देखकर कस वहां से तुरंत भाग खड़ा हुआ। अगले दिन मिसेस हॉल ने ग्रिफिन के कमरे से कुछ कांच की बॉटल्स के टकराने की आवाजें सुनी तो मिसेस हॉल ग्रिफिन का दरवाजा खोलकर उसके कमरे में घुस गई। ग्रिफिन अपने कमरे में किसी एक्सपेरिमेंट में व्यस्त था। तब मिसेस हॉल ने ग्रिफिन से पूछा कि यहां चल क्या रहा है। ग्रिफिन खींचते हुए बोला कि अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो और डिस्टर्ब नहीं करने का कोई अलग से चार्ज लगता है तो वो भी लगा लो, लेकिन मुझे मेरा काम करने दो। तो मिसेस हॉल वहां से चली गई। ग्रिफिन ने उस सराय में सिर्फ एक हफ्ता रुकने की बात कही थी लेकिन वो महीनों तक उस सराय के अपने कमरे में पड़ा रहा। वो कभी बाहर नहीं निकलता, ना वो चर्च जाता, ना बाजार, ना ही वहां किसी से बात करता। अगर उसको बाहर निकलना होता तो वो सिर्फ रात में ही बाहर निकलता। अगर कभी दिन में बाहर निकलता तो कुत्ते उस पर भौंकने लगते, बच्चे डर कर भागने लगते, सारे गांव वाले उसके बारे में अजीब अजीब सी बातें करने लगे थे क्योंकि वो अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाता था और हमेशा ही उसके चेहरे पर पट्टियां बंधी रहती थी। उस सराय में रहते रहते ग्रिफिन को काफी समय हो गया था और काफी समय से उसने वहां का बिल भी नहीं चुकाया था।
तो मजबूरन मिसेस हॉल को धमकी देनी पड़ी कि या तो अगली दोपहर तक उसका बिल चुका दिया जाए या फिर उसका कमरा खाली कर दिया जाए। ग्रिफिन के पास थोड़ा सा भी पैसा नहीं था। उसने मिसेस हॉल को समझाने की बहुत कोशिश की। उसने उनसे कुछ और दिनों की मोहलत मांगी, लेकिन मिसेस हॉल मानने को तैयार ही नहीं थी। इसलिए ग्रिफिन के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा, और वो रास्ता था चोरी का। उसे अगले दिन मिसेस हॉल का बिल चुकाना था, इसलिए उसी रात उसने वही गांव में एक अमीर व्यक्ति के घर में चोरी करने की कोशिश की। वो घर था मिस्टर एंड मिसेस बंटिंग का। आवाज सुनकर जब मिस्टर एंड मिसेस बंटिंग अपने कमरे से नीचे आए तो देखा वहां कोई नहीं था। अगली सुबह सराय की मालकिन मिसेस हॉल ने देखा कि ग्रिफिन के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और उसका बिस्तर खाली था। वो कमरे में कहीं नहीं था, लेकिन उसके कपड़े और पट्टियां इधर उधर पड़े हुए थे। मिसेस हॉल कमरे से बाहर आ गई। तब मिसेस हॉल ने बाकी लोगों के साथ मिलकर ये फैसला किया कि वो गांव के एक लोहार को बुलाकर ग्रिफिन के कमरे के दरवाजे का लॉक चेंज कर देंगे और इस दरवाजे को बंद कर देंगे ताकि मजबूरी में ग्रिफिन को वो कमरा छोड़कर जाना पड़े। तभी ग्रिफिन के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद हो गया और उसकी आवाज सुनकर मिसेस हॉल और बाकी लोग उस कमरे के सामने आकर खड़े हो गए। मिसेस हॉल ने ग्रिफिन का दरवाजा जोर जोर से खटखटाना शुरू कर दिया। ग्रिफिन ने दरवाजा खोला और बाहर झांका। उसके मुंह में पट्टियां बंधी हुई थी। मिसेस हॉल ने ग्रिफिन से कहा कि तुमने अभी तक अपना बिल नहीं चुकाया है। तब ग्रिफिन उसे कुछ पैसे दे देता है। मिसेस हॉल हैरानी से ग्रिफिन को देखती है और सोचती है कि कल तक तो इसके पास पैसे नहीं थे और आज सुबह अचानक इसके पास पैसे कहां से आ गए। तभी उस सराय के बाकी लोग ग्रिफिन के दरवाजे पर आ गए और गांव के कुछ और लोग भी ग्रिफिन के दरवाजे पर आकर जमा हो गए और ग्रिफिन से बोले कि बताओ क्या बात है, तुम्हें ये पैसे कहां से मिले। और गांव वालों को शक है कि कल रात जो मिस्टर एंड मिसेस बंटिंग के घर में चोरी हुई है वो तुमने ही की है। तब ग्रिफिन ने सबको डराने के लिए और वहां से बच निकलने के लिए अपने चेहरे से पट्टियां हटाई और सभी गांव वालों ने चौंक कर ग्रिफिन को देखा, क्योंकि ग्रिफिन का चेहरा था ही नहीं। उसके चेहरे वाली जगह में से लोग आर पार देख सकते थे। उसका चेहरा अदृश्य था। ये देखकर उसके दरवाजे पर खड़े कुछ लोग तो तुरंत ही वहां से भाग खड़े हुए। तभी वहां एक लोकल पुलिस ऑफिसर जिसका नाम बॉबी जेफर था, उसने ग्रिफिन को गिरफ्तार करने की कोशिश की, मगर तब तक ग्रिफिन अपने सारे कपड़े उतार कर पूरी तरह से अदृश्य हो गया था और वो उस सराय से भाग निकला। ग्रिफिन उसी अदृश्य अवस्था में उस गांव से बाहर निकल आया। ग्रिफिन जानता था कि वो गायब है, लेकिन वो ये भी जानता था कि उसे पकड़ना नामुमकिन नहीं है। ग्रिफिन को ढूंढ लेना एक आसान काम है। अगर ग्रिफिन के ऊपर कोई चीज डाल दी जाए, जैसे कोई कपड़ा, कोई रंग या पानी ही क्यों ना उसके ऊपर डाल दिया जाए, तो ग्रिफिन की उपस्थिति का पता लगाना आसान था। उसके पैरों के निशान से भी उसका पता लगाया जा सकता है। इसलिए ग्रिफिन गांव से बाहर ही भटकता रहा। लेकिन ग्रिफिन को गांव के बाहर एक आवारा आदमी दिखा जो बिना किसी काम के फटेहाल अवस्था में चुपचाप बैठा हुआ था। ग्रिफिन ने सोचा कि क्यों ना उसकी गरीबी का फायदा उठाया जाए, उसको कुछ लालच देकर उससे मदद मांगी जाए। ग्रिफिन उसके पास जाकर बोला, तुम्हारा नाम क्या है। वो आदमी डर कर इधर उधर देखने लगा, मगर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उस आदमी ने अपना सिर खुजाया और फिर अपने रास्ते चलने लगा। तभी उसे अपने पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। उस आदमी ने झट से पलटकर पीछे देखा तो ग्रिफिन उससे फिर बोला, डरो मत, अपना नाम बताओ, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा बल्कि तुम्हारा फायदा ही होगा। वो आवारा आदमी बोला, मैं थॉमस हूं, थॉमस मार्वल। तुम कौन हो और कहां से बोल रहे हो, दिखाई क्यों नहीं दे रहे। ग्रिफिन बोला, मेरा नाम ग्रिफिन है, मैं एक वैज्ञानिक हूं, मैंने एक एक्सपेरिमेंट की मदद से खुद को गायब कर लिया है। थॉमस मार्वल ने सोचा, अगर वो इस अदृश्य आदमी की मदद करेगा तो बदले में वो अदृश्य आदमी उसे ढेर सारा पैसा देगा, इसलिए वो मदद के लिए तैयार हो गया। वो ग्रिफिन का सामान लेने उस सराय में गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि मिस्टर बंटिंग, जिनके घर में ग्रिफिन ने चोरी की थी, और एक डॉक्टर ग्रिफिन के लिखे हुए नोट्स को पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आया।
कैसे भी करके थॉमस मार्वल और ग्रिफिन ने अपना बेहद जरूरी सामान और जरूरी नोट्स उस सराय से सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिए। ग्रिफिन के आतंक से गांव के लोग इतना डर गए थे कि सारे के सारे घर में छुपे रहे। कुछ घंटों तक तो कोई बाहर ही नहीं आया। थॉमस मार्वल ने ग्रिफिन की मदद की थी उसका सामान बाहर निकालने में, लेकिन जब थॉमस ने ग्रिफिन से पैसों के लिए कहा तो ग्रिफिन ने कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं। तो थॉमस बोला कि ग्रिफिन उसके लिए गांव में एक बार फिर से चोरी करे, मगर ग्रिफिन ने कहा कि वो उसके लिए चोरी नहीं करेगा। तब थॉमस मार्वल बोला कि वो ग्रिफिन की और मदद नहीं करेगा, लेकिन ग्रिफिन ने थॉमस को धमकी दी, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मौत के डर से थॉमस ग्रिफिन के साथ ठहर गया, लेकिन अगले दिन जब उसे लगा कि ग्रिफिन आसपास कहीं नहीं है तो थॉमस ग्रिफिन के एक्सपेरिमेंट्स के अहम नोट्स लेकर वहां से भाग निकला और बचते बचाते भागता हुआ वो एक टाउन में पहुंचा जिसका नाम था पोर्ट स्टोव। वहां वो एक पब में गया। वो कल से भूखा था इसलिए उसने सबसे पहले वहां खाना ऑर्डर किया और खाना खाने लगा। कुछ देर बाद उसे वहां एक नाविक मिला और वो दोनों बातें करने लगे। बातों बातों में उस नाविक ने थॉमस से पूछा कि क्या तुमने उस अफवाह के बारे में सुना है कि आजकल एक अदृश्य आदमी घूम रहा है, पड़ोस के एक गांव में उसने आतंक मचा रखा है, अखबार में उसके बारे में खबर भी छप रखी है, ये देखो। तब थॉमस उस नाविक को बताता है कि वो उस इनविजिबल आदमी से बचता बचाता छुपता छुपाता जान बचाकर उस पब में पहुंचा है। वो आदमी सच में एक इनविजिबल मैन है। तभी उस पब में एक वेटर के हाथ से ट्रे नीचे जमीन में गिर जाती है और एक आदमी भी किसी अदृश्य चीज से टकराकर जमीन में गिर जाता है। तब थॉमस समझ जाता है कि ग्रिफिन उसका पीछा करते करते उस पब में पहुंच चुका है। तभी अचानक थॉमस हवा में झूलने लगता है। ग्रिफिन ने थॉमस को उसकी गर्दन से पकड़कर हवा में उठा रखा था। ये दृश्य देखकर पब में अफरा तफरी मच जाती है। लोग इनविजिबल मैन चिल्ला चिल्ला कर भागने लगते हैं। इतने में मौका देखकर थॉमस हवा में झूलते हुए काउंटर में पड़े एक वाइन ग्लास में रखी रेड वाइन ग्रिफिन के ऊपर फेंक देता है, जिससे ग्रिफिन की आकृति दिखाई देने लगती है। इस बात से गुस्सा होकर ग्रिफिन थॉमस को एक टेबल के ऊपर पटकता है। थॉमस टेबल को तोड़ता हुआ जमीन में जा गिरता है और फिर ग्रिफिन एक कुर्सी उठाकर थॉमस के सिर में दे मारता है। थॉमस बुरी तरह घायल हो जाता है। इसी बीच उस पब में मौजूद एक पुलिस वाला ग्रिफिन पर गोली चला देता है। रेड वाइन की वजह से ग्रिफिन की मौजूदगी का पता लगाना आसान हो रहा था। ग्रिफिन को गोली लग जाती है और उसका खून जमीन में गिरने लगता है। अब ग्रिफिन के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी थी। इससे पहले कि उस पब की भीड़ ग्रिफिन को मार डालती, ग्रिफिन वहां से भाग खड़ा हुआ। कुछ दूर पर एक डॉक्टर का घर था जिनका नाम था डॉक्टर कैंप। डॉक्टर कैंप के दरवाजे की घंटी बजी। डॉक्टर कैंप ने दरवाजा खोला मगर सामने कोई नहीं था। डॉक्टर कैंप दरवाजे से बाहर गए और इधर उधर अच्छे से देखा मगर कोई दिखाई नहीं दिया। डॉक्टर कैंप वापस घर के अंदर आए और दरवाजा बंद कर दिया और फिर वो सीधा अपने बेडरूम में गए। वहां उनको किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। उन्होंने बेडरूम में चारों तरफ देखा मगर कोई दिखाई नहीं दिया, पर उन्हें किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी उनकी नजर बेड पर और फर्श पर गिरे हुए खून पर गई। तभी डॉक्टर कैंप को एक आवाज आई। वो आवाज ग्रिफिन की थी। डॉक्टर कैंप को यकीन ही नहीं हुआ कि उनके कमरे में एक इनविजिबल मैन है। ग्रिफिन ने डॉक्टर कैंप को खुद का इंट्रोडक्शन दिया और बताया कि वो और डॉक्टर कैंप एक ही कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे, लंदन में। डॉक्टर कैंप को ग्रिफिन पर भरोसा हो जाता है। वो ग्रिफिन को कुछ खाने को देते हैं और एक ग्लास विस्की भी, और डॉक्टर कैंप ग्रिफिन को उसी के बेडरूम में आराम करने को कहते हैं। अगले दिन ग्रिफिन डॉक्टर कैंप को बताता है कि सालों पहले एक एक्सपेरिमेंट के दौरान जब वो लाइट्स एंड ऑप्टिक्स में अध्ययन कर रहा था, तब उसने जीवित कोशिकाओं को अदृश्य करने का एक रास्ता खोज निकाला था और उसने अपना ये आविष्कार अपने तक ही सीमित रखा क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये आविष्कार उससे कोई चुरा ले। 3 साल तक अध्ययन करने के बाद जब उसके पास पैसे खत्म होने लगे तब उसने सोचा कि एक्सपेरिमेंट को आगे चालू रखने के लिए उसे और ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी।
उसने दोस्तों से रिश्तेदारों से लोन मांगा मगर किसी ने उसे पैसे नहीं दिए। तब मजबूरन उसे वो करना पड़ा जो असल में वो करना नहीं चाहता था, वो था चोरी। ग्रिफिन ने अपने ही घर से अपने डैड का पैसा चुराया। ग्रिफिन बोलता है कि उसे उस चोरी का कोई अफसोस नहीं क्योंकि उसके डैड वैसे भी उसके एफर्ट्स को समझते नहीं थे। शुरू शुरू में ग्रिफिन ने अपना एक्सपेरिमेंट एक फैब्रिक के पीस पर किया और उसके बाद उसने अपने पड़ोस की एक बिल्ली पकड़ी और उस पर भी अपना एक्सपेरिमेंट ट्राई किया और वो दोनों ही गायब हो गए। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स के दौरान ग्रिफिन को और ज्यादा मुश्किलें आने लगी। जैसे जब भी वो एक्सपेरिमेंट करता तब उसकी मशीन्स जोर जोर से आवाज करती जिसकी वजह से उसका लैंडलॉर्ड और पड़ोसी बहुत परेशान हो जाते थे। और उसके लैंडलॉर्ड को तो ग्रिफिन पर शक भी था कि वो कुछ तो गलत काम कर रहा है। अब ग्रिफिन ने सोचा कि अगर एक फैब्रिक गायब हो चुका है, एक बिल्ली गायब हो चुकी है, तो क्यों ना वो एक्सपेरिमेंट अब खुद पर ट्राई किया जाए। और फिर ग्रिफिन ने वो एक्सपेरिमेंट खुद पर ट्राई किया और ग्रिफिन अदृश्य हो गया। ग्रिफिन जानता था कि उसका लैंडलॉर्ड उस पर शक करता है, तो उसने अदृश्य होने के बाद अपने एक्सपेरिमेंट्स के उपकरण बर्बाद कर दिए। अदृश्य होने के बाद ग्रिफिन को पता चला कि अदृश्य होना उसके लिए कितना मुश्किलों से भरा होने वाला है। वो कुछ पहन नहीं सकता था, नहीं तो फिर अदृश्य होने का क्या फायदा। वो कुछ खा पी नहीं सकता था क्योंकि जब वो कुछ खाता तो उसके पेट में वो खाना तब तक दिखाई देता जब तक वो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो जाता था। कपड़े नहीं पहनने की वजह से वो बीमार पड़ सकता था, इसलिए उसने एक रॉबरी की और कुछ कपड़े चुराए, खुद को ऊपर से लेके नीचे तक पूरा ढक लिया और फिर वो उस गांव में गया जिसका नाम इपिंग था। ग्रिफिन को अपने एक्सपेरिमेंट्स कंटिन्यू रखने थे। और अब जब वो डॉक्टर कैंप के सामने बैठा है तो वो डॉक्टर कैंप के सामने एक प्रस्ताव रखता है कि डॉक्टर कैंप अगर उसका साथ दें तो वो पूरी दुनिया में आतंक मचा सकते हैं और राज कर सकते हैं। ग्रिफिन को पूरा यकीन था कि कैंप उसका साथ देगा, मगर कैंप ने उसे चेतावनी दी कि उसका रास्ता एकदम गलत है, उसे खुद को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। तभी वहां पर कर्नल एडे आ गया जिसे डॉक्टर कैंप ने ही इन्फॉर्म किया था। तब कर्नल एडे के साथ डॉक्टर कैंप ग्रिफिन से जान बचाकर वहां से भाग निकला। उन्होंने वहां से भागने के बाद लोकल एरिया में सभी को ग्रिफिन के अगले प्लान के बारे में बता दिया और ये भी बता दिया कि ग्रिफिन को कैसे देखा जा सकता है। और फिर चालू हो गया लोगों को मारने का काम। ग्रिफिन ने अपनी दहशत फैलाना शुरू कर दिया था, लोग उससे डर कर घरों में दुपकने लगे थे। ग्रिफिन ने अब तक कई लोगों को मार डाला था, दो आदमियों की डेड बॉडी मिल चुकी थी। लोगों ने सोचा कि यह ग्रिफिन का ही काम है। फिर ग्रिफिन ने कैंप पर अटैक किया क्योंकि उसने पुलिस के साथ मिलकर ग्रिफिन का सारा प्लान सबको बता दिया था और यह भी कि किस तरह उसे मारा जा सकता है। कैंप ग्रिफिन से बचता बचाता इधर उधर भाग रहा था। उसने अपने पड़ोसी से मदद मांगी लेकिन उसका पड़ोसी खुद की जान खतरे में नहीं डाल सकता था, इसलिए उसने कैंप की मदद नहीं की। कैंप जान बचाता हुआ पूरे शहर में भागता फिर रहा था लेकिन ग्रिफिन ने कैंप को पकड़ लिया। कैंप जमीन में गिरा पड़ा था, ग्रिफिन ने उसकी छाती पर पांव रखा हुआ था। तभी कैंप ने जमीन में गिरी हुई मिट्टी ग्रिफिन के ऊपर फेंकी और वो मिट्टी ग्रिफिन के ऊपर जा चिपकी। फिर क्या था, आसपास खड़े लोग ग्रिफिन के ऊपर टूट पड़े, लोगों ने लात घूसे लोहे की छड़ से पीट पीट कर ग्रिफिन को मार डाला। जब ग्रिफिन ने दम तोड़ दिया तब उसका शरीर धीरे धीरे दिखाई देने लगा, वो इनविजिबल मैन से अब विजिबल हो गया था, सब उसे अच्छे से देख पा रहे थे। ये था द इनविजिबल मैन का अंत। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अपने सुझाव भी जरूर लिखें। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक जरूर करें। चैनल में इसी तरह की कई और दिलचस्प कहानियां हैं, उन्हें भी जरूर सुने, चैनल से जुड़े रहें। इस कहानी को और मुझे यहां तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।